वेलकम बैक टू माई चैनल द स्पार्कलिंग वाइब। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं तो ऐसे ही बन बना कर आ गई हूँ, बट मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि ध्यान रखिए अपना, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, हेल्दी जूसेस लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, बिकॉज ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरह। हम सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, वही पुराने कपड़े पहन पहन कर बोर हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टाइलिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप एक ओवरसाइज शर्ट को स्टाइल कर सकते हैं इन 13 डिफरेंट वेज। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। आप अपने डैड के वार्डरोब से ले सकते हैं कोई भी शर्ट, या फिर अपने बॉयफ्रेंड के या हस्बैंड के या अपने बड़े भाई के वार्डरोब से एक शर्ट ले सकते हैं। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है तो मैंने अपने पापा के वार्डरोब से एक शर्ट ली है जो बहुत ज़्यादा ही लूज थी, तो देखते हैं उसे मैंने किस तरह से स्टाइल करा है। सो फॉर द फर्स्ट स्टाइल हमें शर्ट के दोनों एंड्स को लेना है इस तरह से और एक नॉट टाई करनी है। उसके बाद हमें स्लीव्स को फोल्ड करना है इस तरह से। एंड इट्स डन। दिस लुक्स सो कंफर्टेबल एंड कैजुअल, रियली लव द स्टाइल। सो फॉर द नेक्स्ट स्टाइल आई एम सिंपली टेकिंग द एंड ऑफ द शर्ट लाइक दिस एंड टकिंग इट इनसाइड द ब्रालेट। आप चाहें तो आप इसके कॉलर्स को ऐसे ही रहने दे सकते हैं या फिर उसे इस तरह से अंदर के साइड पर फोल्ड कर सकते हैं टू गिव इट अ कम्प्लीटली न्यू लुक। एंड इट्स डन। नाउ दिस वन इज माई पर्सनल फेवरेट। इसमें यू हैव टू वेयर योर शर्ट नॉर्मली लाइक यू डू, बट इसमें बस एक साइड का स्लीव आपको नहीं पहनना है। इस स्लीव को क्या करना है दैट आई विल टेल यू लेटर, बट फर्स्ट यू हैव टू टक इन योर शर्ट प्रॉपरली फ्रॉम ऑल द साइड्स। नाउ वील टेक द स्लीव एंड फोल्ड इट अक्रॉस आवर बॉडी लाइक दिस एंड टक इट टू द अदर साइड। यू कैन फोल्ड द स्लीव ऑफ द शर्ट एंड योर वन साइड ऑफ शर्ट इज रेडी। So for the next style, I'll be turning this shirt into a tube dress. For this, you just have to fold the collar inside like this. Now, we'll just take the sleeves and tie a knot here in front, exactly like I'm showing in the video, and it's ready. If you want to be a little more creative and experimental with your look, what you can do is take the sleeves and roll it like this. After this, you have to tie it across your body. Left side wali sleeve ko right side par aur right side wali sleeve ko left side par is tarah se peeche le jate hue knot bandhni hai. This looks really chic and elegant. You can style this with a nice necklace or a pair of long earrings and you're good to go. For the next style, I'm keeping it really really simple, just tucking one side of the shirt inside. Also, I'll be folding the collars like this to make it look like an off-shoulder shirt. Also folding the sleeves to make it look really neat and put together. This off-shoulder shirt looks really cute and elegant. It looks very, very casual and it's just perfect for summers. I love this style. If you don't want the baggy look, then you can simply tuck both the sides inside. This is like an extended version of the previous style. इस स्टाइल के लिए मैं शर्ट के सारे बटन्स को लगा रही हूँ इस तरह से एंड आई जस्ट लीव द कॉलर बटन। उसके बाद
कॉलर को मैं इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ। स्लीव्स आप देख सकते हैं मेरी ऑलरेडी फोल्डेड हैं। तो जिन लोगों को अपने लुक के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होना है, सो दोज पीपल कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टाइल इट एज अ शॉर्ट ड्रेस। फॉर दिस हमें सिर्फ यहाँ पर बेल्ट ऐड करनी है। आप अपनी कोई सी भी फेवरेट बेल्ट ऐड कर सकते हैं। स्लीव्स को फोल्ड कर दीजिए एंड हो गया आपका ऑफिस लुक रेडी। कितना स्टाइलिश और कितना प्यारा लग रहा है ये आउटफिट। इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल इनाफ तो आप इसके नीचे पैंट्स या ट्राउजर्स को भी स्टाइल कर सकते हैं। सो इस वाले हैक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फॉर दिस स्टाइल मैंने वेस्ट तक के बटन्स को बंद कर दिया है और फिर शर्ट के एंड्स को मैं कुछ इस तरह से अपने शॉर्ट्स के जो बेल्ट का लूप है उसमें इस तरह से डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से आप फिर दोनों साइड से पुल कर दीजिए टू मेक इट लुक लाइक अ प्रॉपर नॉट जो आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग हो एंड इट्स डन। Here's a closer look for you guys. This looks really casual and cute. अब हम बनाने वाले हैं क्रॉप शर्ट। ऊपर के बटन्स को मैंने टाई कर दिया है डिजायर्ड लेंथ तक, बाकी बटन्स को मैंने खुला छोड़ा है। देन हेयर टाई की हेल्प से मैं इसे इस तरह से टाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस नॉट को ऐसे ही छोड़ सकते हैं बिकॉज इवन दिस लुक्स रियली रियली क्यूट। एंड इफ यू वॉन्ट तो आप इसे प्रॉपर क्रॉप शर्ट बनाने के लिए इसे इस तरह से अंदर टक इन कर सकते हैं और लो हो गई आपकी क्रॉप शर्ट तैयार। दिस लुक्स रियली रियली नाइस। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये किसी और की शर्ट है या ये ओवरसाइज शर्ट है। सो इस स्टाइल के लिए मैंने शर्ट को उल्टा पहना है, यानी कि बटन्स पीछे के साइड हैं। कॉलर को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। शर्ट को जिस डिज़ायर्ड लेंथ तक मुझे क्रॉप चाहिए था उस अकॉर्डिंग क्रॉप कर दिया। अब पीछे के साइड पर इस तरह से दो नॉट्स टाई कर दिए सो दैट इट स्टेज इंटैक्ट। हो गया आपका बैकलेस शर्ट रेडी। सो ये थे कुछ स्टाइल्स जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और स्टाइल शेयर करूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस ये सारे तरीके बहुत ज़्यादा वेरिएबल हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑल्सो गाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैंने आपको शॉर्ट्स या जो भी जिस भी तरह से मैंने आपको उस शर्ट को स्टाइल करके दिखाया है आप उसे शॉर्ट्स के साथ ही पहने। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप उसको लॉन्ग स्कर्ट या फिर नॉर्मल मिड लेंथ स्कर्ट या कोई भी पैंट्स जीन्स ट्राउजर्स प्लाजोज किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। ज्वेलरी भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिस भी स्टाइल को आप कैरी करना चाहते हैं। मैंने जिस तरह से प्रिंटेड शर्ट ली है आप चाहें तो प्लेन शर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस ये सारे बहुत अच्छे तरीके हैं अपने किसी भी आउटफिट को अपस्केल करने के। हम सब लड़कियों के साथ ही प्रॉब्लम है कि कबर्ड में कितने ही कपड़े भरे हुए हो, हमको यही लगता है कि नहीं हमारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये फील होता है सो यू नो वेयर टू गो, अपने हस्बैंड बॉयफ्रेंड भाई पापा किसी का भी वार्डरोब होना, अपनी फेवरेट शर्ट्स निकाल लो, अच्छी अच्छी तरह से स्टाइल करो, आपके दोस्त भी ऐसे हो जाएंगे कहाँ से भाई कहाँ से लाए हो ये। गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल एंड इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सा स्टाइल बेस्ट लगा एंड व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस वुड यू लाइक टू वॉच नेक्स्ट। जिन दो लोगों का नाम मैं आज इस वीडियो में लेने वाली हूँ वो है सोनिया मखीजा एंड रुहानिका। सो शाउट आउट टू यू बोथ। ऑल्सो गाइज इफ यू वॉन्ट कि आपका नाम मैं अपनी कमिंग वीडियोज में लूँ तो उसके लिए आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।